सो हमारे बीच में प्राची जी बैठी हैं। नवंबर 2020 में इनका सीए इंटर का एग्जाम था। इनके मार्क्स सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हर एक पेपर में इन्होंने एग्जेम्पशन सिक्योर किया है और एफएम इको में इन्होंने 81 मार्क्स सिक्योर किया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप मोटिवेशन है जो एग्जाम देने से डरते हैं, इंटर के सिलेबस को टफ मानते हैं। आपने हर पेपर में एग्जेम्पशन सिक्योर किया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप ब्रिलियंट हैं। बहुत बहुत आप कमेंडेबल। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है जो हर एक पेपर में एग्जेम्पशन सिक्योर कर पाते हैं। आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी थी। फाइनेंस में आपको काफी नॉलेज है, फाइनेंस में काफी आपको इंटरेस्ट है। खास तौर पे फाइनेंस में भी आपने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मार्क्स आपने फाइनेंस में कैसे सिक्योर किया, क्या आपने तैयारी की, किस तरह से आपने अपने पढ़ाई को किया, क्लास करते वक्त आपको कैसा अनुभव हो रहा था, क्लास करते वक्त कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और क्या आपको एफएम इको में इतने आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट थे कि मैं बहुत अच्छा करूंगी, और एग्जाम में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया। एग्जाम के जो पेपर आए वो कहीं आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं आए, वो सारे कॉन्सेप्ट वाले थे, क्लास वाले ही थे या नहीं थे, इन सब में आप गाइडेंस दीजिए। प्राची जी, नाउ आप कहेंगे और हम सब सुनेंगे। यस सर, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था एंड क्लासेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। एंड इवन पेपर भी जब मैंने जाके देखा तो सब वही बुक के ही क्वेश्चन थे एंड सेम कॉन्सेप्ट थे। इवन मेरा पेपर भी आई थिंक हाफ एन आवर जल्दी ही कंप्लीट हो गया था। एंड एफएमईको में काफी ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट थी एंड सारे पेपर्स में भी। एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट तो सभी पेपर में थोड़ा थोड़ा है, बट एफएमईको में थोड़ा सा ज्यादा है। क्लास करते वक्त कॉन्फिडेंस हाई था, मतलब यू वियर यस सर, क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, इसमें यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास करते वक्त। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यस आगे बिग फोर में जाने का मन है? वेरी सर, गुड, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आपको, और फाइनल में भी आप और अच्छा करें। फाइनल में थैंक यू सब सर। पेपर में आप एग्जेम्पशन सिक्योर करें, रैंक आपका रह गया इस बार। आई थिंक फाइनल में डेफिनेटली आप, मैं अगर आप इसी मोटिवेशन से काम करेंगे तो फाइनल में आपका रैंक पक्का है। ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स के सामने कह रहा हूं कि फाइनल में आपको कोई रोक नहीं सकता, और एसएफएम में आपको 100 out of 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मेरी फाउंडेशन में भी रैंक थी 49। देखिए देखिए देखिए, मैं आपका इनका मैं टोटल बता दे रहा हूँ सबको, ताकि एवरीबडी मस्ट नो आपका अचीवमेंट। आपका टोटल है 592, यस सर, बट स्टिल यू आर यू मिस्ड रैंक, बहुत बड़ी बात है। यस सर, बट फाइनल में ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली फाइनल में आपको रैंक जरूर मिलेगा, और एसएफएम में भी आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलने वाला है, ये मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर फॉर ब्लेसिंग्स। थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। आपका थैंक हमेशा यू सर। उन्नति रहे, आप हमेशा अच्छा करें, और आपसे मोटिवेट होके जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो भी अच्छा करें। कोई भी उनको गाइडेंस होगा तो जरूर आप दीजिएगा, वो अपने क्वेश्चंस यस पूछ सकते हैं, आप उनको डेफिनेटली आंसर कीजिएगा। यस सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच प्राची जी, जिन्होंने हर एक पेपर में एग्जेम्पशन सिक्योर किया है, एंड एफएम इको में 81% मार्क्स सिक्योर कर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच।